गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसडीएल पॉइंट। बिफोर आई टीच यू आई विल से यू दैट इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय एजुकेशनल चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोडिंग न्यू वीडियो। सो नाउ आई बिगिन। टुडे आई टीच यू द हैप्पी प्रिंस द फिफ्थ लेसन ऑफ मोमेंट्स। सो नाउ स्टार्ट। हाई अबव द सिटी, ऊपर शहर के ऊपर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक लंबे से स्तंभ पर स्टूड अ स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार का की मूर्ति स्थापित थी। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर द थिन लीप ऑफ फाइन गोल्ड, और वह पतली शुद्ध सोने के पतली पतली पत्तियों से जड़ी हुई थी। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सैफायर, उसकी आंखों में ब्राइट सैफायर और चमकीले नीलम लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोवेड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसके तलवार की मुठिया पर एक लाल मणि लगी हुई थी या मणिक लगी हुई थी। Now night, one night there flew over the city a little swallow, एक रात को एक अबाबील उस शहर के ऊपर से उड़ा। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, और उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट के लिए उड़ गए थे या चले गए थे। But he had stayed behind, लेकिन वह पीछे ही रुक गया था। Then he decided to go to Egypt too, और अब उसने भी इजिप्ट जाने का निर्णय लिया। All day long he flew, पूरे दिन वह उड़ा। And at night time he arrived at the city, वह रात में शहर में पहुंच गया। Where shall I put up, मैं कहां ठहरूं? He said, उसने ऐसा कहा। I hope the town has made preparation, मुझे आशा है कि शहर में तैयारियां हो रही हैं। Then he saw the statue on the tall column, तब उसने ऊपर स्तंभ में एक स्टैचू मूर्ति को देखा। I will put up there, मैं यहाँ रुक जाऊंगा, he cried, उसने कहा। It is a fine position, बहुत अच्छी स्थिति है, with a plenty of fresh air, बड़ी ताजी हवा के साथ यह बहुत अच्छा स्थान है। So he alighted just between the feet of the happy prince, इसलिए वह प्रसन्न राजकुमार के कदमों के बीच में उतर गया यानी बैठ गया। I have a golden bedroom, मेरे पास सोने का कमरा है, he said softly to himself, उसने यह अपने आप से बड़े कोमलता से कहा। As he looked round, जैसे उसने चारों ओर देखा। And he prepared to go to sleep, और वह सोने के लिए तैयार हो गया। But just as he was putting his head under his wings, जैसे ही उसने अपने पंखों के बीच में अपने हेड सिर को रखा, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक वर्षा की एक पानी की बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कैसी विचित्र बात है, ही क्राइड, उसने चिल्ला के कहा। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। द स्टार आर क्वाइट क्लियर, और तारे भी साफ हैं। एंड ब्राइट, चमकीले एंड चमक रहे हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनादर ड्रॉप फेल, तब दूसरी बूंद और गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर यह मुझे वर्षा से नहीं बचा सकती तो इस स्टैचू यानी मूर्ति का लाभ क्या, ही सेड, आई, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छी चिमनी का स्थान देखना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उड़ने के लिए वह तैयार हुआ, उसने इरादा किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले वो अपने पंखों को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद भी आकर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा देखा, आह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। The eyes of the happy prince were filled with tears, और प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसू से भरी थीं। And tears were running down his golden cheeks, और आंसू उसके सुनहरे गालों से गिर रहे थे, बह रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight, चांद के प्रकाश में उसका चेहरा so beautiful, इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था। That कि the little sable was filled with pity, कि छोटा सा अबाबील दया से भर गया।
हू आर यू, तुम कौन हो? ही सेड, उसने कहा, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूं। व्हाई आर यू वीपिंग देन, फिर क्यों रो रहे हो? व्हाट आस्क द सेब्रो अबाविल ने कहा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया। व्हेन आई वाज एलिव, जब मैं जिंदा था, हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास है ह्यूमन हार्ट, एक मानव हृदय था, आंसर द स्टैचू, मूर्ति ने कहा। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था टीयर्स आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वियर, जहाँ की सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ की दुखों को प्रवेश करने की अलाउड अनुमति नहीं थी। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, वास्तव में प्रसन्न था। सो आई लिव्ड, और जब तक मैं जिया, एंड सो आई डाइड, और जब तक मैं मरा मैं प्रसन्न ही रहा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने मुझे इतने ऊंचे स्थापित कर दिया है, दैट आई कैन सी द अग्लीनेस, कि मैं यहाँ से कुरूपता एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और अपने शहर के दुखों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना है, कांच का बना है, फिर भी आई कैन नॉट चूज बट बीप, और मैं केवल रो ही सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। What is it not solid gold? अरे ये पूरे शुद्ध सोने का नहीं है? Said the Sablo to himself. ऐसा Sablo ने अबाविल ने अपने आप से कहा। He was too polite to make any personal remarks. और वह व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए वह अत्यधिक polite, यानी इतना polite, इतना दयालु था, इतना दया से भरा था कि उसने personal टिप्पणी नहीं की। Far away दूर continued the statue in a low musical voice, संगीतात्मक आवाज में, धीमी संगीतात्मक आवाज में मूर्ति ने कहा, दूर सुदूर, फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में सुदूर, देयर इज अ पुअर हाउस, एक छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडो, एक खिड़की इज ओपन, खुली हुई है, एंड थ्रू इट, और इसके जरिए, आई कैन सी अ वूमन, मैंने एक औरत को सीटेड एट द टेबल, टेबल के पास बैठे हुए पाया। हर फेस इज थिन, उसकी चेहरा पतला है, और बोन सूजा हुआ है। एंड सी हैज कोर्स, उसके हाथ रेड हैंड, उसके लाल हाथ हैं, और कुरूप हाथ हैं, यानी भद्दे हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और जिस पर सुई से चुभने के निशान हैं। फॉर सी इज सीम स्ट्रेप्स, क्योंकि वह दर्जन है। सी इज एम्ब्रॉडरिंग फ्लावर्स ऑन द सेटिंग गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर ड्रूबियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, और वह रानी की सबसे प्रिय दासी के सेटिंग डाउन में, यानी सी गाउन में, एक फूलों की कढ़ाई कर रही है, जैसे कि उसे अगले दिन कोर्ट बाल दरबार में नृत्य करने के लिए पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर, और कोने में एक पलंग पर, ऑफ द रूम, कमरे के कोने में पलंग पर, हर लिटिल बॉय इज लेइंग, उसका छोटा लड़का लेटा हुआ है। ही हैज अ फीवर, और उसे बुखार है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम मैंगो, और उसकी माँ से, वो अपनी माँ से संतरा देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, उसके पास, उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बट रिवर वाटर, सिवाय पानी के, सो नदी के पानी के। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। सेवलो सेवलो, अबाविल अबाविल, नन्ने अबाविल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड, मेरी तलवार की मुठिया से निकाल कर के क्या तुम यह मणिक उसको नहीं दोगे? माई फीट आर फास्टेन टू दिस पेडेस्टल, और मेरे पैर इसमें जमे हुए हैं, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता हूँ। मित्रों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ आपका यह फर्स्ट लेक्चर जो है समाप्त हो जाता है। आशा है आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते चले जाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।